नेगी देउस्कर, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन ये एक राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था का महाराष्ट्र चैप्टर हम लोग चलाते हैं और वैसे तो मैं काफ़ी सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन 1995 में नागपुर में ही इस संस्था से काम कर रही हूँ। इस संस्था में हम लोग एडवेंचर में आकर बच्चों को या फिर महिलाओं को उनका ढांढस बंधाना, उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग करना, उनके लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करना, टीम वर्क में रह के काम करना और अपने छुपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। मैं तो माउंटेनियर हूँ, माउंटेनियरिंग करती आई हूँ और ये सब फील्ड में आने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, यदि हम महिलाओं को, क्योंकि ये क्षेत्र पहले से ही पुरुष प्रधान क्षेत्र माना गया था, लेकिन काफ़ी समय से ये देखने में आया है कि महिलाओं को अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिला जाए तो महिलाएं बहुत अच्छा काम इसमें कर रही हैं। और ऐसे ही मैं कहूँगी कि इसमें बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारी महिलाओं ने बनाए, जिसमें एक बहुत छोटी लड़की, 13 साल 11 महीने की लड़की ने वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट समिट किया और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इसके अलावा एक दिव्यांग लड़की है, उसने भी माउंट एवरेस्ट समिट किया। ट्विंस बहनें हैं, उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट समिट किया। तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड, तो ये सब देखने के बाद मुझे ये लगता है कि हम महिलाओं को अगर चांस मिले तो हम अब अपनी प्रतिभा के द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी फील्ड में हम बहुत आगे बढ़ने को तैयार हैं। इसके अलावा मैं जो ये काम कर रही हूँ नागपुर में, उसमें स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले 2 सालों से आदिवासी बच्चे, जो दूर दराज में रहने वाले बच्चे, उनको कमी है, तो केवल अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है उन लोगों के सामने। तो उन लोगों को सामने लाके महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करके, महाराष्ट्र सरकार में ट्रैवल डिपार्टमेंट के साथ काम करके, उन बच्चों को ट्रेन करके, उन 14 बच्चों को माउंट एवरेस्ट तक बच्चे चढ़ के आए, कितनी बड़ी उपलब्धि है। उसमें 4 लड़कियाँ थी, ये बच्चे वो बच्चे थे जिन्होंने ट्रेन में भी नहीं देखा था, जो कभी बच्चे ट्रेन में बैठे भी नहीं थे। उसके अलावा इन बच्चों ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया। तो मैं हमेशा इस चीज़ को लेके चलती हूँ कि हमारा फील्ड बड़ा कठिन फील्ड है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन अब मालूम है कि ऑब्स्टिकल्स आने वाले, उन ऑब्स्टिकल्स को पार किया कैसे किया जाए, उन चीज़ों का हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेनिंग इस फील्ड में आके करते हैं। तो महिलाओं को तो मैं इतना ही कहूँगी कि अपना एक सपना रखो, अपना एक एवरेस्ट रखो। यदि आपकी सपना बड़ा होगा तो आप कोशिश भी बड़ी करेंगे, और अपने सपने को लेकर अगर आप आगे चलते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, तो हम जिंदगी में जरूर कामयाब होते हैं और आगे बढ़ते हैं।